हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मुझे ना काफ़ी टाइम से फेसबुक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि एक्चुअल में हम लोग अपना फेसबुक अकाउंट कैसे यूज़ करते हैं, या फेसबुक अकाउंट के अंदर हम लोग अपने प्रोफाइल को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं, या फेसबुक के अंदर लॉगिन ऑप्शन कैसे कैसे हैं, हम अपनी कोई नई ईमेल आईडी इंसर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अगर हम लोगों को अपना फ़ोन नंबर अगर अप्रूव करवाना हो फेसबुक में, या कोई प्राइवेसी सेटिंग्स डालनी हो, या फेसबुक के अंदर स्पेशली ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग फेसबुक से अपने बिजनेस को एडवर्टाइज़ कैसे कर सकते हैं, मीन्स फेसबुक एडवर्ट्स क्या है, फेसबुक के अंदर और नई नई कौन सी सिक्योरिटी लेयर्स अवेलेबल हैं जिनको हम लोग बहुत एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं, या फेसबुक में अपना पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कंट्रीज़ को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे को इन कंट्री से व्यूज़ आएँ और बाकी किसी कंट्री से व्यूज़ ना आए। तो ऐसे फ्रेंड्स, मेरे पास ना बहुत सारी मेरे ब्लॉग के ऊपर क्वेरीज इकट्ठी हो गई थी, तो अब मैंने क्या किया, फेसबुक के एकिंग सेटिंग ऑप्शन को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं अपनी इन वीडियोज़ के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट माई वीडियोज़ ऑन फेसबुक टिप्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो जो है फेसबुक के जनरल सेटिंग ऑप्शन के बारे में है। देखिए फ्रेंड्स, सेटिंग ऑप्शन के लिए आपको फेसबुक के इस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन में जाना होता है। जैसे ही आप सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट ओपन होता है वो फेसबुक की सारी सेटिंग ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं। देखिए जहाँ पे आप देख रहे होंगे जनरल सेटिंग्स, सिक्योरिटी एंड लॉगिन, प्राइवेसी सेटिंग, टाइमलाइन एंड टैगिंग, ब्लॉकिंग ऑप्शंस, लैंग्वेज सेटिंग। तो फ्रेंड्स, ये सारे ऑप्शंस मैं आपको आने वाली अपनी सारी वीडियोज़ में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं फेसबुक की जनरल सेटिंग ऑप्शन से। तो देखिए, जैसे ही मैंने जनरल अकाउंट सेटिंग पे क्लिक किया तो फ्रेंड्स ये फेसबुक के जनरल अकाउंट सेटिंग ऑप्शन है। इन सेटिंग ऑप्शंस के अंदर फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले फेसबुक में नेम, जो भी आपके प्रोफाइल का नेम है, जैसे मेरा नाम राजीव आनंद है तो मैं अपने प्रोफाइल का नेम मैंने राजीव आनंद रखा हुआ है। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो मैं एडिट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम, ये तीनों इंसर्ट कर सकता हूँ। मेरा फिलहाल अपना कोई भी मिडिल नेम नहीं रखा हुआ क्योंकि मेरा नाम राजीव है और मेरा सरनेम आनंद है, तो फर्स्ट नेम और सरनेम मैंने इंसर्ट कर दिया। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप फेसबुक के अंदर अपना कोई अदर नेम इंसर्ट करना चाहते हैं, जिससे देखिए मैंने इंसर्ट कर रखा है डिजिटल मार्केटर मोटिवेटर, अगर आप इसके अलावा कोई और रखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास ऐड और चेंज अदर नेम्स का ऑप्शन है। तो आपने जैसे ही इस ऐड और चेंज अदर ऑप्शन पे क्लिक किया, देखिए आपको मेरे प्रोफाइल में, जैसे मेरा नाम है राजीव आनंद और ये नीचे अदर नेम्स में आ रहा है डिजिटल मार्केटर मोटिवेटर, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे अदर नेम्स में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डिजिटल मार्केटर मोटिवेटर का। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ये देखिए ऑप्शन में एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ या मैं एडिट करना चाहूँ, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं इनके अलावा कोई और निकनेम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड अ निकनेम करके यहाँ पर अपने निकनेम में मेडिन नेम, अल्टरनेटिव स्पेलिंग, मैरिड फादर्स नेम, बर्थ नेम, फॉर्मर नेम, नेम विद टाइटल, अदर्स कोई भी इंसर्ट कर सकता हूँ जो भी मेरी कैटेगरी है, और यहाँ पर मैं अपना नेम इंसर्ट करके सेव चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोफाइल में, जैसे मेरे इस प्रोफाइल में आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि आप मेरे प्रोफाइल में ये दिख रहा है डिजिटल मार्केटर मोटिवेटर, इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर शो एट टॉप ऑफ प्रोफाइल पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आप निकनेम इसके साथ रखेंगे। इसको फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स देखिए आप, जैसे कि यूज़र नेम में आप देख रहे हैं, जैसे मैंने अपना यूज़र नेम राजीवन ट्रेनर रखा हुआ है, और इसमें अगर मैं एडिट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पर जाकर अपना यूज़र नेम भी चेंज कर सकता हूँ। थर्ड ऑप्शन इज़ कॉन्टैक्ट, और इस कॉन्टैक्ट में आपकी मेरी ईमेल आईडी आपके सामने आ रही है, और इस ईमेल आईडी को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर ऐड अनदर ईमेल एड्रेस करके यहाँ पे मैं अपना कोई भी नया ईमेल एड्रेस इंसर्ट कर सकता हूँ, और ईमेल एड्रेस इंसर्ट करने के बाद ऐड ऑप्शन से ये ईमेल एड्रेस मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। या अगर मुझे कोई अपना फ़ोन नंबर ऐड करना हो तो ये देखिए फ़ोन नंबर का ऑप्शन भी आपके सामने हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर भी ऐड कर सकता हूँ। और फ़ोन पे अगर मुझे टेक्स्ट मैसेजेस चाहिए तो वो मेरे नंबर कंफर्मेशन फेसबुक टेक्स्ट मैसेजेस फ़ोन पे डिस्प्ले करके करवाएगा। द नेक्स्ट वन इज़ टेम्परेचर। फेसबुक बेसिकली दो टाइप के टेम्परेचर्स यूज़ करता है, सेल्सियस एंड फारेनहाइट का। ये देखिए फिलहाल के लिए मेरा जो स्केल है वो सेल्सियस का है, फारेनहाइट में भी एक स्टेटस है। द लास्ट वन इज़ मैनेज अकाउंट। अगर मैं चाहता हूँ मेरे अकाउंट को मेरे अलावा कोई और पर्सन भी यूज़ करे तो उसके लिए मैनेज अकाउंट के ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। एडिट ऑप्शन के अंदर देखिए, जैसे आप कोई भी अपने फ्रेंड लिस्ट से कोई भी अपना एक फ्रेंड चूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं फिलहाल के लिए अपने सिस्टर का प्रोफाइल ले लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी सिस्टर के प्रोफाइल पर हाईलाइट किया तो यहाँ पर ऐड ऑप्शन आ गया। इट मीन्स मेरे एबसेंस में अगर मेरी सिस्टर को भी मैं अपना लीगेसी कॉन्टैक्ट बनाना चाहता हूँ तो वो मेरे प्रोफाइल को ऐड भी कर सकती है। और अगर मुझे अपना फेसबुक का अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो यहाँ पर देखिए इसी में डीएक्टिवेट योर अकाउंट का ऑप्शन भी है। आप इस कंसेप्ट को यूज़ करके अपने फेसबुक के प्रोफाइल को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन के अंदर
आप लोगों के पास, अगर आप अपने फेसबुक के पूरे डेटा की कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर फेसबुक डेटा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले अपनी ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करानी है। देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट माय आरची पे क्लिक किया, पासवर्ड वेरीफाई करा के आप अपने पूरे के पूरे फेसबुक डेटा की जो कॉपी है उसको डाउनलोड करके अपने पीसी में भी रख सकते हैं। उस डाउनलोडिंग में आपके साथ आपके पिक्स, आपकी वीडियोज़, आपने जो भी कंटेंट डाला है जब से आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, वो सारा आप लोगों को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये फेसबुक के कुछ जनरल सेटिंग ऑप्शंस थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। मेरे जो नेक्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, वो फेसबुक के प्राइवेसी सिक्योरिटी एंड लॉगिन सेटिंग के ऊपर रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।